हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल द ब्लू हेड गर्ल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि बिगिनर्स में आपको आई मेकअप करना अगर नहीं आता है तो आप, या फिर अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आप क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं और आपको कैसे एग्जैक्टली करना चाहिए। आज मैंने बहुत ही न्यूट्रल मेकअप किया है, लाइक आप आँखों पर देख सकते हैं, डोंट माइंड लिप्स, क्योंकि मैंने बहुत न्यूट्रल आई मेकअप किया तो इसलिए मैं लिप्स को थोड़ा ज़्यादा ओवरबोर्ड ले गई हूँ। ये बेसिकली ट्यूटोरियल नहीं है, बताने वाली हूँ कि आप क्या चीज़ गलत करते हैं, क्या चीज़ सही करते हैं, किस तरह से आपको करना चाहिए। एंड अगर आप चाहे तो आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसका पूरा वीडियो बनाई हूँ और मैं अभी जितनी चीज़ों को यूज़ करने वाली हूँ उन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर नीचे लाइक बटन को हिट कर दे, और वहाँ उस कोने में एक सब्सक्राइब बटन भी रेड कलर का, उसे भी हिट कर दे। उसके बगल में एक बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसे भी हिट कर दे, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो के बारे में पता चलते रहे। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आते हैं ब्रशेस पे। आई शेडोज़ के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया था, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और तो ब्रशेस पे आते तो बहुत कन्फ्यूजन होता है कि क्या ले क्या नहीं ले, तो इसलिए मेरे पास आपके लिए शॉर्ट डाउन करने के लिए मेरे पास चार ब्रशेज़ है आपके लिए। सबसे पहले ये ब्रश है, ये एक पेंसिल ब्रश है, मतलब ये थोड़ा पेंसिल टाइप का दिखता है, बहुत डेंस है, मतलब बहुत हेवली पैक्ड है, डेंस है और एक पेंसिल की तरह पॉइंटेड है। यू कैन सी, अगर आपको दिख रहा होगा तो पहला है ये पेंसिल ब्रश। इससे क्या करते हैं, हम कलर को डिपॉजिट करते हैं। अगर आपको कुछ गाढ़ा कलर चाहिए तो आप पेंसिल ब्रश में ऐसे लेके उसको टैप करके उसको यहाँ प्रेस कर लेने से, जो थोड़ा डेंस है, ये भी थोड़ा गंदा, ये मैंने अभी जस्ट यूज़ किया है, ये थोड़ा डेंस है बट पतला है, यू कैन सी पतला है बेसिकली। ये आपके क्रीज के लिए अच्छा होता है, क्रीज बेसिकली इसे कहते हैं, यहाँ जब ब्रश ऐसे पुट करते हैं और जहाँ आपका आँख अंदर घुस रहा है, जैसे लाइक यू कैन सी यहाँ पे, तो उसको क्रीज कहते हैं। क्रीज को ब्लेंड करने के लिए बहुत अच्छा होता है ये वाला ब्रश। थर्ड ब्रश में आते हैं, ब्लेंडिंग ब्रश ले ली। ब्लेंडिंग ब्रश एक्चुअली जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि आप अलग अलग आई शेडो, क्योंकि आप बार बार धोने नहीं जाओगे उस ब्रश को, या फिर बहुत आलसी है एंड या लाइक नहीं जाने दो, आपको डेली डेली मेकअप करना है तो आप एक ही ब्रश है तो बार बार करोगे तो वो कलर मिक्स हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी ब्लेंडिंग ब्रश आप जितना लिए वो उतना अच्छा है। इसे ब्लेंडिंग ब्रश कहते हैं, ये थोड़ा फ्लफ ब्लेंड करने के लिए ईजी होता है, ये उतना डेंस नहीं है, थोड़ा दूर दूर है इसके ब्रिसल्स, लाइक पेंसिल ब्रश बहुत डेंस होता है बट फ्लफी ब्रश कम डेंस होता है। तो ब्लेंडिंग ब्रश बेसिकली कोई भी चीज़ को आप ब्लेंड कर सकते हैं, लाइक आप जो नॉर्मल आई शेडो लगाते हैं उसे भी क्रीज को भी ब्लेंड कर सकते हैं, बट क्रीज के लिए स्पेसिफिकली मैंने ये ब्रश इसलिए सजेस्ट किया कि क्रीज बहुत पतला एरिया होता है, आप नहीं चाहेंगे कि आपका आई शेडो ऊपर या नीचे जाए, तो इसलिए क्रीज के लिए मैंने पतला ब्रश सजेस्ट किया और ये ब्लेंडिंग ब्रश। अब आई मेकअप बेसिकली आपका इससे हो जाएगा, अगर आप शिमर्स अप्लाई करते हैं तो आप हाथ से ही करें, क्योंकि ब्रश से उतना अच्छे से शिमर्स अप्लाई नहीं होता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ऐसा बोलूँगी, एक पॉइंटी टाइप का ब्रश लेने के लिए। ये पॉइंटी ब्रश बेसिकली आपके इनर कॉर्नर को फिल करने के लिए होता है, जैसे आप अगर आप हाईलाइट लगा रहे हैं या फिर अपने इनर कॉर्नर पर कुछ प्लेस करना है, या फिर ये वाला एरिया है जहाँ पर आप आई शेडो लगाएंगे बट आपका आँख फिंगर्स से ऊपर चला जाएगा या ब्रश से भी ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह का ये पॉइंटी ब्रश बहुत हैंडी आता है। आज जो मैं आई शेडो यूज़ करने वाली हूँ वो है ये मॉर्फी एक्स जैकलिन हिल का आई शेडो पैलेट। तो ये एक्चुअली इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये मैंने वापस इंस्टाग्राम स्टोर से खरीदा था, मैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड तो मैं ये आई शेडो पैलेट से आज मेकअप करने वाली हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, मेरा फेवरेट आई शेडो पैलेट है। इसको खरीदने के लिए मैंने बहुत महीने के सेविंग्स कुर्बान किए हैं। आगे अब मैं यहाँ से अपने सारे क्लिप्स इंसर्ट कर दूँगी। मैं एक पेंसिल ब्रश ले रही हूँ इस तरह का, ये वाला शेड में उठा रही हूँ एंड मैं इसे आउटर वी कॉर्नर पर डिपॉजिट करने वाला। डिपॉजिट करने के लिए आपको पहले पैट करना है उस कलर को अच्छे से, मतलब मैं क्रीज से ऊपर नहीं लेके जाऊँगी, मैं क्रीज तक ही रख रही हूँ। आई शेडो नीचे आपको लाइनर भी ड्रॉ करना है, तो आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, आप इस तरह से सेलो टेप ले सकते हैं, टेप को यहाँ अपने लोअर लैश लाइन से ऐसे चिपका दूँगी। उससे क्या होगा, ये जो भी जितना भी आई शेडो है वो इस वाले पोर्शन से बाहर नहीं निकलेगा। सेम चीज़ आप दूसरे आँख में भी करें, मैं आपको एक आँख में करके दिखा रही हूँ। पहले आई मेकअप करना उतना ईजी नहीं होता, आपको थोड़ा टाइम लगता है उसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए, नहीं तो बहुत पैची दिखने लगेगा, एक एक लाइंस आपके दिखने लगते हैं कि हाँ आपने यहाँ पे कलर अप्लाई किया कि हाँ कलर अप्लाई नहीं किया।
आप देख सकते हैं मैंने अपने हाफ ऑफ द आईज पे भी नहीं लाया, मैं मतलब ये जो पॉइंटेड एरिया है आपके हाफ आईलेट्स हैं, तो मैंने हाफ आईलेट्स पे भी नहीं लाई हूँ। मैं इस तरह का फ्लैट ब्रश ले रही हूँ, ये ऑरेंजी शेड ले रही हूँ मैं। हमेशा याद रखिए एक्सेस को टैप कर देना, उससे क्या होता है कि आपके ब्रश में एक्स्ट्रा नहीं रहेगा तो आपके आईज पे वो पैचिनेस नहीं होगा, वो ओवर पिगमेंट नहीं आएगा, तो इसलिए हमेशा एक्सेस को टैप कर देना चाहिए। एंड देन आपको यहाँ पे ऐसे ब्रश को रखना है एंड देन अंदर पोक करना है, एंड देन इसको जैसे गाड़ी में विंडशील्ड वाइपर होता है ना उसी की मोशन में ऐसे ये करना है। आपको ये जो आपके आउटर कॉर्नर में आपने आई शेडो फिल किया उसे भी ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने से पिगमेंट थोड़े कम हो रहे हैं, इसलिए मैं बोल रही थी ये आप बाद में से ठीक कर सकते हैं, पहले हम ब्लेंड कर लेते हैं। मैट शेड्स के लिए ब्रश बहुत अच्छा होता है, बट अगर शिमर की बात आई तो मैं आपको बोलूँगी अपने अपने फिंगर्स से ही करना, क्योंकि फिंगर्स से जितना अच्छा पिगमेंट आता है उतना अच्छा किसी भी ब्रश नहीं आता। मैं ये कलर लगाऊंगी, तो मैं इसे अपने हाथ में ले ली हूँ, यू सी बहुत केयरफुली पैट करूँगी। अगेन मैं वो ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ जो मैंने पहले यूज़ किया था, एंड वापस ये जो क्रीज पे हमने शेड अप्लाई किया है उससे हल्का सा डिप करके वापस ये जो शिमर हमने अप्लाई किया उससे ब्लेंड करूँगी। ये सरो डिप को हटा देती हूँ, परफेक्ट स्ट्रेट सा लाइन क्रिएट हुआ है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नीचे नहीं आया। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ बहुत एजी टाइप का लाइन हो गया है तो आप ये वापस ये ब्रश लेके इस तरह से हल्का हल्का ये कर सकते हैं। मैंने लाइनर भी लगा लिया और अब मैं एक बहुत ही थिन ब्रश से एक हाईलाइट करूँगी अपने इनर कॉर्नर पर, अपने ब्राउ बोन को। मैं ब्रश से अपने ये वाले शेड ले रही हूँ, कॉर्नर वाला ले रही हूँ, एंड देन अपने ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर रही हूँ। सो ऑफ कैमरा अपना दूसरा आंख भी करके आपके साथ वापस आती हूँ। सो दैट वाज द वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर नीचे लाइक बटन है उसे हिट कर दीजिएगा, वहाँ मेरे नाम के बगल में एक सब्सक्राइब बटन भी होगा उसे भी हिट कर दीजिएगा, और उसके बगल में एक बेल आइकन आएगा उसे भी हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड अगर आप ये लुक क्रिएट करते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो एंड मुझे टैग कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर डाल के मुझे टैग कर दीजिए, मैं हैंडल यहीं कहीं डाल दूँगी। सो मैं आगे और भी मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।